मैं तो माँ हूँ। अच्छा एक बात बता, ये चंद्रप्रभा कितना पैसा लिया है तूने उससे? लोन का मतलब कितना रकम तो बोल। वो मुझे बताती नहीं है, वो कहती अपने बेटे से पूछो। करोड़ों का लोन लिया है, ये माँ को नहीं बता सकता। कितना पैसा है? 1 लाख। हाँ मैम, 1 लाख। लाख रुपया लिया तूने उससे, चंद्रप्रभा से, और उसका फोन भी नहीं उठाता? क्या करें? रोहन निवास तो पहले से ही गिरवी है। वो तेरे पढ़ाई का लोन लिया था तो वो तो चल रहा है, सिर्फ 8 साल हुए हैं, 20 साल का लोन है। और जो दुकान की कमाई है उससे लोन की किश्तें भरते हैं और घर चलता है। वो भसु से कैसे मांगूं मैं? बस करो ना। हाँ? मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ मैनेज, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पापा से हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं। डिंगलू, ए डिंगलू, मैं नौकरी कर लूं, कोई जॉब काम कर लूं। रियली? हाँ। नौकरी? हाँ, पहले तो तुम्हें 12वीं पास छो, ऊपर थे गुजराती मीडियम में, ना कॉलेज ना डिग्री, सिर्फ सिर्फ स्कूल का एजुकेशन और घर की देखभाल करने के क्वालिफिकेशन से कोई नौकरी नहीं देगा, वो भी यहाँ बैंगलोर में। कोई मतलब भी है इस डिस्कशन का? जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। मगर आपको मेरी मेरी हेल्प करनी है ना, तो जस्ट लेट मी बी, मेरे हिसाब से काम करने दीजिए। लेकिन लिसन, आई एम श्योर अगर तू बोलेगी तो चीनू जरूर मानेगी। रोहन, लेकिन कम ऑन मीनू, उसे उसे बोल तो सही कि मुझसे एक बार मिल ले। प्लीज, यू नो आई लव यू दी, राइट? ओके, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। रोहन, रोज टिफिन बोली जवानों। सॉरी मैम। ठीक से रख टिफिन को। हाँ, बैठ। आई माँ। अब देखिए ना, रोज डब्बा ही भूल जाते हैं आपके साहबजादे, फालतू में आपका कसरत हो जाता है ऊपर से नीचे। एक काम कीजिए, एक दिन डब्बा दीजिए ही नहीं। आज जब भूख लगेगी और डब्बा नहीं रहेगा पास में, तो फिर कभी नहीं बोलेंगे। एक बात बता, तेरा बेटा है, एक दिन भी ऐसा जाता है जब तू उसे याद नहीं करता? नहीं माँ जी, याद तो रोज आती। तो मेरा दिन कैसे बीतेगा जब मुझे पता है कि मेरा बेटा भूखा है, टिफिन नहीं है उसके पास? ए दुबे, दिख रहा तू इस पूरी बिल्डिंग में सबको जानता है ना, कौन कहाँ नौकरी करता है, कहाँ रहता है, कौन धंधा करता है, सब कुछ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सबको जानते हैं और सब हमको पहचानते हैं, लेकिन काम कहाँ है? मुझे जॉब चाहिए। आपको? हाँ। तो क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब क्या क्या आता है आपको? सब कुछ, घर कैसे चलाते हैं, खाना बनाना, और फिर मुश्किल के समय जब आर्थिक मुसीबत हो तब कैसे घर को चलाना, सबकी जरूरतें तभी भी कैसे पूरी करना, वो घर का जो खर्चा होता है उस हद में रहकर कैसे सब घर चलाना, सब कुछ आता है मुझे। ये तो हम समझ रहे हैं, ये तो गृहस्थी वाली माँ के
क्वालिफिकेशन हो गया ना, गृह विज्ञान वाला नहीं, होम साइंस, मतलब MBA, ऐसी कोई पढ़ी लिखी वाली डिग्री है आपके पास? मैंने तो सिर्फ 12वीं की है गुजराती मीडियम में, कॉलेज नहीं गई। और हाँ, वो दौड़ने कूदने के सारे सर्टिफिकेट है स्पोर्ट के। नहीं, वो तो हम रोजे देखते हैं कि आप ऊपर से नीचे टिफिन लेके दौड़ती हैं, ये हमको मालूम है। बाकी आप रेसों में जीती थी, लेकिन सवाल ये कि खेले कूदे वाली माँ को कौन काम देगा? आप कोनो ऑफिस वाली को जानते हैं, मतलब जो आपकी हेल्प कर सके? बेंगलोर में? हाँ, नहीं ये बताइए, वो जो कल औरतिया से आप मिली थी, जिसे बतिया रही थी कल, चंद्रप्रभा, जौन भी हो, वो कुछ नहीं करेंगी? हाँ, वो नहीं करेगी हेल्प? अरे करेगी ना, अरे वो तो बहुत बड़ी एजेंट है, बेंगलोर में सबको जानती है। हाँ, वाह दुबे दिख रहा, क्या आइडिया दिया। हाँ आराम। हाँ दुबे दिख रहा, क्या हो गया? ये ले, मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। ये है का? वो मैं रेस दौड़ी थी ना, तो उसमें मिला था सेकंड प्राइस। अरे अरे हम नहीं, जाके ले लेना। हाँ, और अपने घर में फिट करवा देना, रात को ठंडी ठंडी हवा आएगी, अच्छी नींद आती है। और अपनी कामना और तमन्ना को बोलना कि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई तीसरा आ गया है। माँ जी आप बहुत ही अच्छी हैं। अरे अरे चल चल ठीक है, टाटा। हाँ ब्रो। हाँ सागर, कब आ रहे हो? इन्वेस्टर से बात हुई? बस उनको लेके पहुंचा हूँ थोड़ी देर में। आप घर पे हो ना? तुम अभी आ रहे हो? यार मुझे लगा आफ्टरनून में आओगे। एनीवे कोई बात नहीं, तुम पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। सी यू ब्रो। ओके बाय। जब कुछ खरीदना ही नहीं था तो वाई वाई यू आफ्टर माई लाइफ, शॉपिंग पे चलो शॉपिंग पे चलो। अभी हो गया टाइम पास तो चले घर। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, समझा क्या? आज के आज मेरे को चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, मैं कुछ नहीं जानता। मैं फोन नहीं करेगा, समझाना, काम रहता है, ड्राइविंग करके कॉल करता है, लेकिन एक पैसा नहीं छोड़ेगा। चेक करो भाई, साले झूठे, पैसा तो तेरा बाप भी देगा। क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? हम तेरे को गाड़ी में लेके तेरे घर तक लेके जाएगा, पेड़ में उल्टा टांगेगा तुझे। तू शीशे में शक्ल देखेगा ना, तो अपनी शक्ल पहचानने के लिए अपने पड़ोसियों को बुलाना पड़ेगा। इतना देख लेगा तेरे को मैं, आपको देख लेगा मैं, देख लेगा। आ बेटा, आपका बॉस से मिलना है। प्लीज चीनू, आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द लाइंग, बस एक बार मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस ऐसे दोबारा कभी नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। या मिस्टर रोहन? हाँ, आई एम फ्रॉम बैंक। गाड़ी की चाबी दीजिए। मैं गाड़ी से सामान निकालो। लिसन, एक्सक्यूज मी, देखिए आप ये क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूँ जो नॉन EMI पेमेंट ब्लैक लिस्टर्स के साथ किया जाता है। आपकी ये कार बैंक की कस्टडी में जाएगी। निकालो सामान गाड़ी से। बॉस, स्टॉप इट, हाथ मत लगाओ। एक्सक्यूज मी, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको कार चाहिए, आप पेमेंट लेकर बैंक आ सकते हैं। योर EMI ड्यू अमाउंट इज 1.29 लाख। चीनू, चीनू, चीनू मेरी बात सुनो, चीनू। जय माता जी चंद्रप्रभा बेन, केम छो? तुम यहाँ क्या करती? ओ अयो अम्मा, इतना जल्दी पैसे का अरेंजमेंट हो गया? नहीं हुआ, इसीलिए आई हूँ मैं आपके पास। वो क्या है, मुझे मदद की जरूरत है आपकी। आप बेंगलोर में सबको जानती है ना, तुम मुझे नौकरी दिलवा दो, जॉब। देखो मैं, डिग्री नहीं है मेरे पास,
लेकिन मैं कर लेगी, कोई भी काम कर लेगी। वो क्या है ना, मेरा बेटा बेचारा बहुत दौड़ धाम कर रहा है आपके पैसे के लिए, तो सोचा कि मैं भी हाथ पटा देती हूँ ना उसका, है ना? तुम बहुत हिम्मत वाली माँ, ऐसे तो जॉब मिल पाना बहुत मुश्किल, बट मिल भी गया तो तुम इतना सारा कैसे करेगी? कर लेगी। तुमने अपने बेटे से पूछा कि लोन अमाउंट कितना होती? हाँ, रकम बताई ना उसने मुझे। बहुत है ना, 1,00,000। 1,00,000 तुम्हारा बेटा बोली? हाँ, सब सच सच बताया रोहन ने मुझे। अम्मा अभी तुम घर जाओ और जैसे कोई जॉब की वैकेंसी होती हम तुमको इन्फॉर्म करती। हाँ, प्रॉमिस। प्रॉमिस। आभार। आप अपने सीनियर मैनेजर को फोन लगाइए। देखिए उसका कोई फायदा नहीं है, बट इफ यू वांट आई कैन स्टिल कॉल हिम। हाँ ब्रो। हेलो सागर, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। माँ है घर पे, तुम लोग आराम से बैठो, चाय वाय पियो। डोंट वरी ब्रो, मैं हूँ ना, सब संभालूंगा। ओके। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी। मैं सागर, रोहन का दोस्त। हाँ, रोहन ने बताया था कि आप लोग आने वाले हैं, आइए ना। आइए सर, बैठिए ना सर, बैठिए बैठिए। मैं पानी लेकर आती हूँ, आइए बैठिए ना सर। जी वैसे रोहन कब तक आएंगे? सर बस 5 मिनट, वो बस पहुंच ही रहे। किसी टाइम की बात हुई थी ना? हाँ सर जी, टाइमिंग एकदम करेक्ट है, बट बैंगलोर ट्रैफिक सर, आप तो जानते ही है ना सर। उन्हें घर पे होना चाहिए था, जब इंसान को टाइम दिया है तो इंसान को घर पे रहना चाहिए ना। हम भी वही ट्रैफिक से आए ना, लेकिन टाइम पर आए। और देखो सागर, मेरी बेटी की है ना शादी होने वाली है, बहुत सारा काम पड़ा है मेरे ऊपर, फालतू का टाइम नहीं मेरे पास बिगाड़ने के लिए, मैं जाता हूँ। मोटा भाई धो भी जाओ ना बेगड़ी। रोहन ये रास्ता मां जाशे खूनेच पोचियो शाव तो जाशे। कितलू मिठू गुजराती बोलो छो तुम्हें, ये बरसों हो गया ये भाषा सुने हुए। मेरे कान है ना तरस गए थे ना। वो आप जब बात कर रहे थे ना बेटी की शादी, तभी मैं वो आपके बात करने के लहजे से समझ गई थी कि आप भी गुजराती ही हो मेरी तरह। सो है 100%। अमे गढ़वी, तमे पटेल। पटेल क्या 5 ગામના 7 ગામમાં મોટી 27 નાની 27 કયા? બધા ગામના। હેલો પાણી। થેન્ક યુ। લે લે બેટા। થેન્ક યુ આંટી। મોડું એઠું કરી આવગર જવાની દો, બેસો બેસો। गुजराती बेन छे हमारा। आलो। नहीं ना, मैं रख देता। हाँ रख दे बेटा। ए इतनी सारी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? अरे तकलीफ से नहीं। अलीलवा कचोरी, फरसी पूरी, अने आ पात्रा। थैंक यू। ये ले बेटा। थैंक यू आंटी। सरस टेस्ट है। आज मेरे को है ना मेरी मम्मी की याद आ गई। मेरी मम्मी भी आपके जैसा सेम टू सेम खाना बनाती थी। एक बात बोलूं बहन, आज वर्षों के बाद है ना ऐसा गुजराती नाश्ता करने को मिला है। सर जी फैमिली देखिए सर जी, जैसी माँ वैसा उनका बेटा, इज्जतदार मेहनती, और सर मेहनत का रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं। इतना शानदार घर सर, लग्जरी कार कहाँ मिलता है सर, आसान बात है क्या? और सर सबसे बड़ी बात, फॉरेन से लौटने के बाद भी वही संस्कार सर। आप बताइए कहाँ मिलते हैं इतनी खूबी एक इंसान। मैं मेरी बेटी की शादी के लिए आया हूँ इधर, इन्वेस्ट करने आया हूँ, इन्वेस्ट करने। हाँ तो वही तो सर, बेस्ट इन्वेस्टमेंट, एकदम वैल्यू फॉर मनी सर। सर आप बताइए कैंडिडेट में संस्कार आते कहाँ से? माँ जी सर, मैं तो सर फैन हूं इनका,
और सर जानते हैं आप, रोहन सर के फादर का गुजरात में इतना बड़ा बिजनेस है सर। सर वो तो रोहन सर है जो खुद की मेहनत से बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। सर फैमिली बिजनेस का कोई लालची नहीं, बताओ जरा। गुजरात में कहाँ? ओ सर भुज। हाँ भुज में। भुज मा हमें भुजना चाहिए। हाँ वहाँ हमारी मतलब रोहन के पापा की एक छोटी सी दुकान है हैंडीक्राफ्ट और कपड़ों की, और ये जो घर है वो भाड़े का है। रोहन मकान मालिक नहीं है इस घर का। लेकिन एक बात मैं बोल सकती हूँ अपने बेटे के बारे में, बहुत मेहनती है। यहाँ भी बहुत मेहनत की उसने अपनी पढ़ाई में, और फिर जब वो अमेरिका यूएस से गया तब तो उसने जी तोड़ खून पसीना एक कर दिया। काम भी करता था, पढ़ाई भी करता था, सब कुछ। अब बस यहाँ आ गया है अपने देश वापस, तो खुद का एक धंधा शुरू करना चाहता है जिसमें आपकी मदद की जरूरत है। सागर, पटेल को पैसा घड़ी दो घड़ी लेट मिलेगा ना तो चलता है, लेकिन झूठ बिल्कुल नहीं चलता। तूने मेरा टाइम वेस्ट किया है, यहां बैठकर झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। पटेल ऐसे लोगों के साथ में काम नहीं करता। सुनिए मैं चलता हूं। सर 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 सुनिए तो सर। सर सागर ब्रो कहाँ रह गया यार, क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? भाई वो आंटी जी ने यार। आंटी यू मीन माँ? अब क्या किया माँ ने? मोटा भाई, मोटा भाई एक बात करनी थी आपसे। मोटा भाई वो सागर उसके बड़े बड़े झूठ में थोड़े छोटे छोटे सच भी छुपे हैं। हसमुख गढ़वी, रोहन गढ़वी के पिता, वैसे भुज में छोटी सी दुकान है इसलिए मुनाफा भी छोटा सा है, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने बहुत ज्यादा इज्जत कमा ली है पूरे भुज में। उन्हीं की संतान है रोहन। मोटा भाई आपको निराश कभी नहीं करेगा, बहुत मेहनत करेगा, और ये छोटा सा सच ना बड़े बड़े झूठ पर भारी पड़ जाएगा, देखना आप। एक बात बताओ बेन, आपको सच बोलने की क्या जरूरत थी है, जबकि सागर के झूठ से आपके बेटे का काम तो हो ही रहा था। बात तो सच्ची है आपकी, काम भी हो रहा था, पैसे तो आ जाते, लेकिन रात को जब रोहन तकिए पर अपना सिर रखता तो ना तो उसे नींद आती, और सुबह जब आप खुद को आईने में देखता तो अपने आप से नजर नहीं मिला पाता। ओबा, ये दो दो बड़े प्रॉब्लम, घाटे का सौदा। एक मिनट। हेलो शू, गुजराती शादी में गुजराती खाना नहीं बनेगा क्या? कुक बीमार हो गया है। हाँ तो पूरे बेंगलोर शहर में क्या एक ही गुजराती कुक है? मुझे पता है कि मेरी बेटी को उसकी शादी में कुछ भी गुजराती नहीं चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि जो खाना हो ना वो गुजराती पारंपरिक भोजन हो। है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों माँ बेटी मेरी ये इच्छा पूरी होने दोगे। ठीक है मंगवा लो सब इंटरनेशनल। पूजा ने पहला कंसर्न तो थी अज्जे वो जो ये पटेल ना लगन छे तो खावानू तो स्पेशल होवू जोईए, है नहीं? फरसाण मां लीलवा कचोरी, फूलवड़ी, पाटुड़ानो लोट, पापड़ीनो लोट, जमवानामां रींगण बटाटानू शाक, रस्सावाड़ा वाल, लाड़वा, शिखंडपुरी, तज ने लविंग अने घी मां लतपत्तो भात, अने आपड़ा गुजरातीनी स्पेशल खाटी मीठी दाळ। बोलो। आपकी बात बराबर है बेन, लेकिन गुजरात को बेंगलोर में कहां से लाऊंगा है?
ये सब कहाँ मिलेगा मुझे? काकू लाएगी ना। कौन काकू? मैं। काकू? हाँ, मैं लाऊंगी गुजरात को, बेंगलोर। वैश पटेल वो तो गया भाई, बहुत अपसेट था भाई, अब तू संभाल ले यार। अरे रोहन आ गया तू, मैं तो नीचे ही थी, तू मुझे मिला नहीं, तू कब आया ऊपर? सागर तुम जाओ, मैं कॉल करता हूँ। नमस्ते आंटी। आपका प्रॉब्लम क्या है मां? आपको मेरी हर बात में इन्वॉल्व होना जरूरी है? अरे वो तेरा ये दोस्त है ना, वो सागर बराबर नहीं है। कैसा झूठ बोल रहा था वो तेरे बारे में, हम सबके बारे में? हाँ तो बोलने देती ना माँ, झूठ बोलने से काम बनता तो बन जाता। झूठ बोलने से काम बन जाता तो बन जाता। हसमुख गढ़वी का बेटा है तू, ये झूठ पे अपना धंधा शुरू करेगा? ये सिखाया तेरे पापा ने तुझे? जो सिखाया ना वो आज की दुनिया में नहीं चलता माँ। सच बोलने वाले बैठे रह जाते और ईमानदारों को तो कोई पूछने वाला भी नहीं। ऐसे हमारी? ऐसे मैंने कहा? ऐसा आप कह रही हैं। अगर आपको बेचारा बनने का शौक है ना तो आपकी मर्जी। सुन सुन मेरी बात, काम बिगड़ा नहीं है। वो पटेल भाई तेरे धंधे में पैसा लगाने को तैयार हो सकते हैं शायद। What do you mean? मतलब? अरे उनको कोई गुजराती वो क्या बोलते हैं खाना बनाने वाला केटर मिल नहीं रहा है। उनकी बेटी की शादी है ना, तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं बनाऊंगी। What? माँ आप? अरे गोड़ धाना छे नहीं दिख रही ना, तो मैं किधो के हूँ बना नहीं रही। सीरियसली आप अभी किसी और के शादी में जाके खाना बनाओगी? और के घर में मतलब हम भुज में करते ही है ना ऐसा, जिस किसी के घर में शादी हो वहाँ आस पड़ोस वाले आ जाते हैं रात को मदद करने, पूरी रात फटाना गाते हैं और फिर सुबह तक खाना तैयार। भले घर अलग अलग हो लेकिन हम गढ़वी वो पटेल, बिरादरी तो एक है ना, गुजराती है ना सब लोग। ये भुज नहीं है माँ, पहले ही आपकी वैसे इन्वेस्टर हाथ से चला गया, ऊपर से आप ये खाना बनाओगी ना तो मेरी रेपुटेशन भी चली जाएगी। आई हैव अ स्टेटस टू मेंटेन फॉर गॉड्स सेक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.